right here. Some big news coming in. ISI fails to protect terrorist Hanzla. Unknown gunmen strike despite ISI security cover. The ISI has provided 24/7 security to Hanzla. ISI had an inkling that Hanzla will be killed. His security cover images exclusive. In fact, Hanzla was shifted to Karachi from Rawalpindi. ISI has provided 24/7 security to Adnan Hanzla. This is the latest that we get here, that it fails to protect him despite giving him security. An unknown gunman comes and strikes Hanzla despite all that security cover. The ISI has provided 24/7 security to Hanzla, and it appears that he had ISI had an inclination that Hanzla is likely to be killed, but yet, despite all that security cover, there was an unknown gunman who shot him dead. Here, Arvind Oja joining us live for more on that. Arvind, ISI ne jo cover security coverage diya tha unko, uske bawajood ek unknown gunman ne Adnan ko maar diya hai. Kya unko investigation ke door pe kuch pata chala hai? Koi information aaya hai uske baare mein? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि इंडिया टुडे ने सबसे पहले ये ब्रेक किया कि जो इंडियाज का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है कराची में, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. अब इंडिया टुडे ने एक पिक्चर एक्सेस की है, ये कराची की है, जिसमें जो अदनान अहमद उर्फ हजला अदनान वो खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है. इस पिक्चर को आप देखिए, और उसके आसपास गनमैन है. ये जो सिक्योरिटी पर्सनल है, ये पाकिस्तान की आर्मी ISI ने प्रोवाइड कराया था उस टेररिस्ट को, जो इंडिया में लगातार चाहे वो CRPF के कॉनवॉय पे अटैक हो, चाहे BSF के कॉनवॉय पे अटैक हो, वो अटैकर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई थी और सिक्योरिटी कवर पूरी तरह से इसको दिया गया था. और हाल ही में रावलपिंडी से कराची शिफ्ट किया गया था. ये वो जगह, उस जगह की तस्वीर है जहां पर अदनान को गोली मारी गई है. सिक्योरिटी कवर था, बावजूद इसके जो अननोन गनमैन है वो इसके पास जाते हैं और इसको गोली मार देते हैं. शायद ये वजह है कि पाकिस्तान की मीडिया में ये खबर नहीं है, और ISI और पाकिस्तान की आर्मी भी इस खबर को पूरी तरह से छुपा रही है, क्योंकि ये बड़ा फेलियर है उनके लिए. काफी शर्मिंदगी है वहां पर, क्योंकि एक टेररिस्ट जो लश्कर चीफ का बेहद करीबी था और जम्मू कश्मीर में लगातार टेरर अटैक को कोऑर्डिनेट कर रहा था, उसको सिक्योरिटी कवर दिया गया था, उसके बाद भी उसकी हत्या हो गई. और अगर सिक्योरिटी कवर को देखें दूसरे सेंस में, एक खबर यह भी है कि हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान में एक के बाद एक टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, उसके बाद जो टेररिस्ट वहां पर है, जो काफी प्रोमिनेंट टेररिस्ट है, उनको अब ISI सिक्योरिटी कवर दे रही है. वो टेररिस्ट जो लगातार इंडिया में अटैक कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान की स्टेट बकायदा सिक्योरिटी कवर दे रही है. और आप पिक्चर देखिए, ये कराची के उसके सेफ हाउस की पिक्चर है जहां पर उसे गोली मारी गई है, और मर्डर के कुछ दिन पहले की ये तस्वीर है जब उसको बकायदा सिक्योरिटी कवर दिया गया था. 24 घंटे जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सुरक्षा में तैनात रहते थे, लेकिन 2-3 दिसंबर की रात को कराची में उसको गोली मारी गई है, उसकी मौत हो गई है. सोर्सेज ने इंडिया टुडे को ये कंफर्म किया है कि उसकी मौत हो गई है. एक बड़ा सेटबैक ISI और पाकिस्तान आर्मी के लिए जरूर है, लेकिन इंडियन एजेंसी को कहीं ना कहीं ये राहत की बात है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में फिदाइन अटैक या फिर CRPF BSF के कॉनवॉय पर अटैक जो हो रहा था, उसका मास्टरमाइंड अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान था. नवीना जी, ये जब ये न्यूज आया है, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले साजिद मीर को भी पॉइजन किया गया है, ये अफवाहें आई हैं. अब कितना ये सच है आप हमें बता सकते हैं, मगर ऐसा एक पर एक टेररिस्ट जो पाकिस्तान के जेल में है उनको ऐसे टारगेट किया जा रहा है, ऐसा महसूस है? नहीं, देखिए, साजिद मीर की जो खबर है वो पूरी तरह से फेक न्यूज है, और ये सिर्फ वो एक अफवाह है जो सोशल मीडिया पर लगातार फैलाई जा रही है. इंडिया टुडे को एजेंसीज के सोर्सेज ने ये क्लियर किया है कि साजिद मीर को पूरी तरह से ISI प्रोटेक्ट कर रही है. उसकी जेल जरूर पिछले लास्ट 6 मंथ पहले उसकी जेल को चेंज किया गया था, तो वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर अलग अलग अफवाहें होती, लेकिन इंडिया टुडे के पास लगातार जो ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है, चाहे पहले जो
पठानकोट में अटैकर्स जो पठानकोट में अटैक हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था उसको गोली मारी गई थी, तो इंडिया टुडे ने सबसे पहले ब्रेक किया। और आज भी हम ये सबसे पहले इंडिया टुडे पर ये स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं कि 2016 में सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे अटैक जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए थे, तकरीबन 22 जवान सीआरपीएफ के घायल हुए थे। 2015 में बीएसएफ के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था जिसमें 2 बीएसएफ के जवान शहीद हुए थे, 13 बीएसएफ के जवान घायल हुए थे। उसके अलावा पुलवामा और पंपोर साउथ कश्मीर के इलाके में जो फिदाइन अटैक होते थे वो जो अटैक करवाता था उसके कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कराता था अदनान अहमद, उसको कराची में गोली मारी गई है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि पीओके के जो लश्कर का कैंप था वहां अक्सर आईएसआई अदनान अहमद को भेजती थी, उन टेररिस्ट के बीच जो पूरी तरह से तैयार होते थे भारत में दाखिल होने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी ये माना जाता था, इस वजह से बड़ा सेटबैक है। और अगर आप पिक्चर देखिए जो इंडिया टुडे ने हम एक्सक्लूसिवली एक्सेस किया है, ये कराची के उसके सेफ हाउस का है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आईएसआई के लिए कितना बड़ा एसेट था। इसको सिक्योरिटी कवर दिया गया था, एक टेररिस्ट जो इंडिया में लगातार टेरर स्ट्राइक एक के बाद कर रहा था उसको सिक्योरिटी कवर दिया गया था। इतनी सिक्योरिटी कवर के बावजूद भी जो अननोन गनमैन है वो उसके पास जाते हैं और एक के बाद एक 4 इसको गोली मारी जाती है और इसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, इसकी मौत हो जाती है। लेकिन न तो पाकिस्तान की मीडिया में ये खबर है और न जो पाकिस्तान के ऑफिसर है वो बोल रहे हैं, लेकिन ये जो न्यूज़ आई है ये भी कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के आईएसआई के ऑफिसर हैं उनमें काफी गुस्सा है क्योंकि उनका अगर एसेट मारा जाता है तो वो क्लेम नहीं करते। और ये कोई नई बात नहीं है, अगर इंडियन साइड भी जो पाकिस्तानी मूल के टेररिस्ट मारे जाते हैं या फिर पहले भी जो जवान पाकिस्तान के मारे जाते हैं उनकी बॉडी तक क्लेम नहीं करता, तो ये पाकिस्तान की नीति रही है। लेकिन अगर बात की जाए इंडियन साइड से तो एक राहत की खबर जरूर इंडिया के लिए है कि एक ऐसा टेररिस्ट जो लगातार पाकिस्तान के कराची या रावलपिंडी में बैठकर इंडिया में कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक करा रहा था उसको गोली मारी गई। बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े रहिए। हियर वी सीइंग अनदर टेररिस्ट शॉट डेड इन पाकिस्तान। दोज आर द इमेजेस कमिंग इन of Hanzla Adnan, an LET terrorist who masterminded the attack on a BSF convoy in Jammu and Kashmir back in 2015. He's been killed by unknown gunmen in Pakistan's Karachi. Considered to be close to LET chief Hafiz Saeed, Adnan was shot dead outside his home on the intervening nights of December 2nd and 3rd, despite an ISI security cover that was provided to him. In fact, 4 bullets were found in his body. He was killed despite cover by the ISI gunmen. Hanzla Adnan's death has come after Khalistani terrorist Lakbir Singh Rode, the nephew of Jarnail Singh Bindranwale, died in Pakistan on the 2nd of December. Now, since last year, many terrorists have been killed on Pakistani soil. There's been a spree of mysterious killings of anti-India terrorists. Adnan Hanzla comes as a fresh one. Gaurav, this is the man with blood on his hands who's been killed now. Lashkar-e-Toyba terrorist, and like Arvind in fact was telling us that he was extremely active around the POK region here. So Adnan Ahmed was someone who was involved in a series of terror attacks in India, especially on the security forces around the year 2015 and 16, whether these were attacks on security forces and specifically the CRPF camp. The fact that these terrorists are now being killed in Pakistan, and if you take a look at this entire list, there are about 20 terrorists, 20 India's most wanted terrorists have been neutralized in Pakistan, and not just in one province, not just in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, but like Adnan, terrorists have been killed in Karachi, terrorists have been killed in Khyber Pakhtunkhwa. Terrorists have been killed in Pakistan's Punjab province in Sialkot. Especially a terrorist like Shahid Latif, who was involved in the terror strike that had taken place on the Indian Air Force Base, Pathankot. This does point to a very systematic effort to neutralize those terrorists who pose current and present danger to India. And Sneha, if you look at this entire pattern,
this is something that perhaps in Pakistan would require deeper investigations, that are intelligence agencies in Pakistan neutralizing terrorists, or is this inter-gang warfare that is taking place, or inter-terror group warfare that's taking place? Because these are Lashkar-e-Taiba terrorists, Jaish-e-Mohammed terrorists, Hezbollah Mujahideen terrorists, and even Khalistani terrorists who are living in Pakistan are just dropping like flies, Sneha. All right, we see Adnan Hanzla, who has been given security cover by the ISI, has been murdered right in front of his home, 4 bullet shots that have been found on his body. He's now been shifted to a Karachi hospital for the final procedure. As we see, the suspected terrorists who are currently stationed in Pakistan, those who are killed, I'm listing that out for you. Maulana Rahimullah Tariq on November 13th, Jaish-e-Mohammed leader, a close associate of Maulana Masood Azhar. He was killed in Pakistan. And then you have Akram Khan, killed on November 9th, Lashkar-e-Taiba leader. He's the head of the LET's recruitment cell. And then you have Khaja Shahid, who was killed on November 5th, Lashkar-e-Taiba commander again. And then you go on to see that even Shahid Latif, October 11th, that he was killed, he's a Jaish-e-Mohammed terrorist, mastermind of the 2016 attacks on the IAF base in Pathankot. Then you also have Saeed Noor Shalobar, who was killed, in fact, in Pakistan on the 3rd of March. He is the Islamic State Khorasan commander recruiter for terrorist organizations in Jammu and Kashmir. And then we see Saeed Khalid Raza. He was killed on 27th of February. He is the Al Badr commander of the Waged Jihad against India. In fact, Bashir Ahmad is another one, Bashir Ahmad Peer, who was killed on the 20th of February, Hizbul Mujahideen commander. And then you have Zahur Mistry, who was killed on 1st of March, 2022. And he had carried out an attack on Indian Airlines 814, basically a hijacker at that point, March 1st, 2022, that he was gunned down.